गुड इवनिंग एवरीवन। दो मिनट वेट कर लो जरा। आप लोग अपने वीडियो ऑफ रखा करो जिससे किसी को डिस्टरबेंस ना हो। प्रीवियस क्लास रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी है क्या, कोई भी डाउट? आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछो हमेशा पब्लिकली सेंड करना है, ठीक है? जस्ट आज के क्लासेस से रिलेटेड मैं नोट्स न्यू फोल्डर में कॉपी कर रहा हूँ। क्लास थ्री जैसा कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट फीचर्स ऑफ पाइथन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया उसमें? प्रीवियस क्लास के डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। सोएब आपने पूछा है सर बिट क्या है? हाँ बिट, मैं आपसे पूछता हूँ केजी क्या है? केजी और केएम, केजी क्या है? किलोग्राम। केएम क्या है? किलोमीटर। तो केजी क्या है? जस्ट वेट को मेजर करने के लिए यूनिट यूज किया जाता है, राइट? केजी क्या है? यूनिट फॉर मेजरिंग अ वेट। सिमिलरली अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस को आप मेजर किस में करोगे, किलोग्राम्स के फॉर्म में या लीटर्स के फॉर्म में? किलोमीटर्स के फॉर्म में, ना कि लीटर्स के फॉर्म में, राइट? तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट किस फॉर्म में आता है? किलोग्राम समथिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि एक किलोमीटर में ही पॉसिबल होगा। डिस्टेंस को अगर आपके पास कोई डिस्टेंस किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है कि नहीं? मीटर में कन्वर्जन पॉसिबल है। उसी टाइप से अगर आपके पास कोई भी वेट अवेलेबल है केजी के फॉर्म में तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल क्या? पॉसिबल है, दैट्स इट। तो ग्राम्स और मीटर क्या है? जस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट। इसके बाद भी स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकते हैं, लाइक अ मीटर, देन समथिंग सेंटीमीटर एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पर अगर एक टाइप से देखा जाए तो सेंटीमीटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। एनीवे है क्या? जस्ट यूनिट्स, राइट? तो सिमिलरली जो आप मेमोरी यूज करते हो, चाहे वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो, वाट एवर, तो जो मेमोरी है तो मेमोरी को मेजर करने के लिए भी यूज किया होता है सम यूनिट्स, राइट? वैसे तो कई सारे यूनिट्स हैं, लाइक आप पेटाबाइट्स, पीबी, टीबी, लाइक दैट, राइट? पेटाबाइट्स को आप मीन्स पीबी को टीबी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने हार्ड डिस्क परचेज किया तो एजुम करो हार्ड डिस्क के केसेस में जो कैपेसिटी है वो मेजर किस फॉर्म होता है? टेराबाइट्स के फॉर्म में, लाइक 1 TB, 2 TB, 4 TB, लाइक दैट। टीबी को जीबी में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है, जीबी को एमबी में। जीबी मीन्स गीगाबाइट, एमबी मीन्स मेगाबाइट। हाँ, थ्री इडियट मूवी देखी होगी शायद आपने। और एमबी फर्दर कन्वर्ट किस में होता है? केबी में, किलोबाइट्स। किलोबाइट्स कन्वर्ट किस में होते हैं? बाइट्स में। और बाइट्स को फर्दर कन्वर्ट करना पॉसिबल है स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड एज बिट। तो बिट क्या है? जस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट।
जस्ट बिट्स के फॉर्म में आप मेजर क्या कर रहा है, जस्ट मेमोरी, दैट्स इट। और कोई क्वेरी है क्या किसी का? साल आपने पूछा व्हाट इज द एडवांटेज, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कौन सा, किस थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? जैसा कि कल मैंने पाइथन फीचर डिस्कस किए थे, टू फीचर्स कंप्लीट हुए थे ऑलमोस्ट, जस्ट अपना अभी सॉरी पोर्टेबल फीचर रिमेनिंग बचा हुआ है। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंसी, राइट, प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंसी के अलावा क्या डिस्कस हुआ था, कोड पोर्टेबिलिटी। जो भी डाउट्स हैं एक काम करते हैं, जस्ट अपना जो टाइमिंग है स्टडी का वो क्या है, जस्ट 5 to 6:30, ठीक है, 5 to 6:30 अपन डायरेक्टली क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। 6:30 के बाद, क्लास ओवर होने के बाद, जो भी आपके डाउट्स हुआ करेंगे रेगुलरली, मैं जस्ट क्लास के एंड में ही डाउट डिस्कस करूंगा, जिससे दूसरे लोग अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो डाउट सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आप कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्लास के एंड में रखेंगे, जिससे अदर पर्सन को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन उनको होल्ड कर रहा हूँ, फाइनली मैंने लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लास मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया था अबाउट पाइथन फीचर्स, तो पाइथन के केसेस में ऑलमोस्ट मैंने 10 फीचर मेंशन किए थे, जिसमें से क्या था, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोड पोर्टेबल, सिंपल एंड इजी टू लर्न, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, डायनेमिक टाइप, एवरीथिंग। इन्हीं पॉइंट्स को जस्ट मैं 1 by 1 फिनिश कर रहा था, राइट। तो फर्स्ट फीचर मैंने डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के केसेस में फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज मीन बाय प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, प्लेटफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर, राइट, ओएस एंड हार्डवेयर टूगेदर इज नॉन एज प्लेटफॉर्म। हार्डवेयर मीन्स जस्ट प्रोसेसर और सीपीयू और मदरबोर्ड, राइट। नेक्स्ट में व्हाट इज मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मैंने टू फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन किए थे। किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड जनरली टू टाइप्स के कोड एग्जिस्ट करते हैं, सोर्स कोड एंड कंपाइल कोड, राइट, सोर्स कोड एंड कंपाइल कोड, राइट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का रिलेशन किससे था, जस्ट कंपाइल कोड से। सोर्स कोड से कभी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कोई रिलेशन नहीं रखता। रीजन, जनरली वर्ल्ड में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कैसे होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का सोर्स कोड से कोई रिलेशन ही नहीं था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मीनिंग क्या था, अगर एक प्लेटफॉर्म का कंपाइल कोड सेम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली रन करना पॉसिबल है विदाउट एनी रिकम्पाइलेशन, such type of code is known as platform independent, right? If compile code of any platform can be directly executed by the same or different platform, such type of code is known as platform independent and underlying programming language is known as platform independent language, right? नेक्स्ट मैंने इसका आपको एडवांस भी सॉरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का एडवांटेज भी डिस्कस किया था कंप्लीटली विद डायग्राम। नेक्स्ट वन, अभी तक अपने टू क्वेश्चंस पेंडिंग है, व्हाई सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड हाउ पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब मैं पाइथन वर्चुअल मशीन आपको एक्सप्लेन करूंगा PVM, एट दैट टाइम इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने सेकंड फीचर डिस्कस किया था पोर्टेबल, तो पोर्टेबल जस्ट मैंने लास्ट टाइम फास्टली डिस्कस किया था क्योंकि अपने पास टाइम नहीं बचा था। तो अभी जस्ट पोर्टेबल को एक बार मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ, एक बार रिवाइज करते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी फैक्टर रिलेटेड किससे था, रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी रिलेटेड किससे था, कंपाइल कोड से और सोर्स कोड, कंपाइल कोड। प्लस इसका रिलेशन किससे था, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट फीचर क्या, पोर्टेबल, तो पोर्टेबल रिलेट किससे, रिलेटेड टू कंपाइलर, सोर्स कोड एंड आउटपुट। फर्स्ट वन, फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय पोर्टेबल। जनरली इस फीचर को कोड पोर्टेबल भी बोला जाता है, कोड
पोर्टेबल, राइट? व्हाट इज मीन बाई कोड पोर्टेबल? इसका बेसिक आइडिया और डेफिनेशन क्या डिस्कस किया था आपके साथ, जस्ट यहाँ पर एग्जीक्यूशन का तो कोई लेसन है नहीं, राइट? क्योंकि इसमें आपको पता है ऑलरेडी पोर्टेबल फीचर के अंदर कंसीडर क्या हुआ, जस्ट सोर्स कोड, और सोर्स कोड ऑलवेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, तो एग्जीक्यूशन तो 100% होना ही होना है, जस्ट इसका रिलेशन किससे, आउटपुट से, राइट? अगर एक प्लेटफॉर्म, सॉरी, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड, कोई भी सोर्स कोड, मतलब आपने सोर्स कोड फिक्स कर लिया, अगर ये सोर्स कोड, मान लो मैंने कोई सी का प्रोग्राम राइट किया, ये सी प्रोग्राम किस फाइल में सेव है, समथिंग ए डॉट सी में, जो भी कोड है, वाट एवर, दिस फाइल कंटेंस जस्ट सम सोर्स कोड, इस सी प्रोग्राम को मैं सी के 16-बिट कंपाइलर में भी टेस्ट करूँ, 32-बिट कंपाइलर में भी टेस्ट करूँ, और 64-बिट कंपाइलर में भी टेस्ट करूं, राइट? जैसा कि आपको पता, मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर 4 फॉर्मेट्स में और 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है, 16-बिट फ्लेवर, 32-बिट फ्लेवर एंड 64-बिट फ्लेवर, राइट? लेकिन ये तीनों के तीनों कंपाइलर सेम लैंग्वेज के, ऐसा नहीं कि एक कंपाइलर सी का है तो दूसरा जावा का है, तीसरा पाइथन का है, सेम लैंग्वेज के, राइट? और किसी भी प्रोग्राम के सोर्स कोड को सेम लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर में टेस्ट करने के बाद अगर आउटपुट सेम प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स इसका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, देन इस अंडरलाइंग सोर्स कोड या कोड का टाइप क्या हुआ, ऑलवेज पोर्टेबल। अगर कंपाइलर चेंज करने पर प्रोग्राम का आउटपुट चेंज होने के चांसेस हैं, देन अंडरलाइंग सोर्स कोड कैसा हुआ, ऑलवेज नॉन पोर्टेबल। तो जैसा कि आपने देखा है, गूगल में भी आपने चेक किया था, सी का सोर्स कोड, सॉरी, गूगल में आपने क्या देखा था, सी क्या, सी इज अ पोर्टेबल, लेकिन आपको प्रैक्टिकली मैंने दिखाया था, रियल में सी कंप्लीटली पोर्टेबल है क्या, नहीं। 80-90% केसेस में सी के प्रोग्राम्स कैसे हैं, पोर्टेबल, लेकिन सी को 100% पोर्टेबल लैंग्वेज बोलना पॉसिबल नहीं, मींस मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोग्राम का आउटपुट सेम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम का आउटपुट चेंज होने के चांस है कि नहीं, चेंज होने के चांसेस हैं। अभी मैं डेप्थ में डिस्कस करने वाला हूँ प्रोसेस विद एग्जांपल, ठीक है, विद एग्जांपल्स। पहले इसका डेफिनेशन राइट कर लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय कोड पोर्टेबल। इफ सोर्स कोड ऑफ एनी प्रोग्राम इफ सोर्स कोड ऑफ एनी प्रोग्राम गिविंग सेम रिजल्ट्स और आउटपुट इन ऑर्डर टू डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स का मतलब क्या है, ये भी 16-बिट कंपाइलर, 32-बिट कंपाइलर, 64-बिट कंपाइलर, राइट? इफ सोर्स कोड ऑफ एनी प्रोग्राम गिविंग सेम रिजल्ट्स इन ऑर्डर टू डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स, सच टाइप ऑफ सोर्स कोड, और सिंपली कोड इज नॉन एज, सच टाइप ऑफ कोड इज नॉन एज पोर्टेबल। कैसा कोड होगा, जस्ट पोर्टेबल, ठीक है। अभी काफी इंटरेस्टिंग थिंग्स डिस्कस करने वाले इससे रिलेटेड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सच टाइप ऑफ कोड और सच टाइप ऑफ सोर्स कोड इज नॉन एज पोर्टेबल एंड अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉन एज कोड पोर्टेबल। सी की बात करें, सी के प्रोग्राम्स का आउटपुट कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज होने के चांसेस हैं, इसलिए सी को 100% कंप्लीटली पोर्टेबल बोलना पॉसिबल नहीं है। तो सी को आप क्या बोल सकते हो, पोर्टेबल तो बोल सकते हैं, लेकिन किस टाइप से, जस्ट पार्शियली। सी कंप्लीटली पोर्टेबल है क्या, नहीं, जस्ट पार्शियली पोर्टेबल है, राइट? लेकिन अगर जावा की बात करें या पाइथन की बात करें, जावा और पाइथन के प्रोग्राम का आउटपुट कभी भी कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज नहीं होता है, राइट? कंपाइलर टू कंपाइलर आउटपुट कैसा होगा, ऑलवेज सेम। आप किसी भी कंपाइलर पर टेस्ट करोगे सेम सोर्स कोड को, ठीक है, सोर्स कोड को चेंज करते हो तो उसका आउटपुट चेंज होने के चांस हैं, ठीक है। मैं बात करूं सेम सोर्स कोड,
सेम सोर्स कोड अगर पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर में टेस्ट किया जाए तो उसका आउटपुट कभी भी चेंज होने के चांस नहीं होंगे, तो इसलिए पाइथन क्या है, जस्ट पोर्टेबल, राइट। एस वी नो आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम मे चेंज कंपाइलर टू कंपाइलर देयरफोर सी इज नॉट अ कंप्लीटली पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट एस वी नो आउटपुट ऑफ पाइथन प्रोग्राम विल नेवर चेंज कंपाइलर टू कंपाइलर देयरफोर वी कैन से पाइथन इज अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है सबको? इसके कुछ रीजंस भी देखते हैं, राइट। अब ये भी देखते हैं, जनरली आपके पास जैसे मैं यहाँ टू टाइप्स के कंपाइलर्स कंसीडर कर रहा हूं, क्या, एक तो 16 बिट कंपाइलर और दूसरा 32 बिट कंपाइलर। सपोज दिस इज 16 बिट सी कंपाइलर, अभी मैं सी के फॉर्म में आपको एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। फर्स्ट केस आप एज्यूम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जस्ट दिस इज 16 बिट सी कंपाइलर। दूसरे केस में क्या है, दैट इज इन अदर हैंड दिस इज 32 बिट सी कंपाइलर। तो यहाँ पर मैं टेस्ट क्या करना चाहता हूँ, अगर आप किसी कोड को एक कंपाइलर से दूसरे कंपाइलर में मूव कर रहे हो तो किस केस में कोड पोर्टेबल होगा, किस केस में नॉन पोर्टेबल। ऑलवेज याद रखना, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम 16 बिट कंपाइलर के रिस्पेक्ट में राइट किया, इन ऑर्डर टू 16 बिट कंपाइलर, राइट, अगर 16 बिट कंपाइलर से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आप 32 बिट कंपाइलर में मूव करोगे, देन इसका बिहेवियर ऑलवेज कैसा हुआ, ऑलवेज पोर्टेबल, श्योर, राइट। अगर आपको कोई भी सी प्रोग्राम, मैं केवल सी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी प्रोग्राम को आप लोअर कंपाइलर से हायर कंपाइलर में मूव करोगे, राइट, देन इसका बिहेवियर आप फाउंड करोगे ऑलवेज कैसा हुआ, जस्ट पोर्टेबल। लेकिन पोर्टेबल का मतलब क्या है, यहां पर आउटपुट कभी भी चेंज नहीं हुआ, अभी आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट सपोज दैट अगर आपने सोर्स कोड राइट किया इन ऑर्डर टू 32 बिट सी कंपाइलर, मतलब प्रोग्राम आपने किसके रिस्पेक्ट में राइट किया, 32 बिट कंपाइलर के रिस्पेक्ट में, और इस कोड को आप मूव कर रहे हो टू द 16 बिट कंपाइलर, अगर आप 32 बिट कंपाइलर से रिलेटेड कोड 16 बिट कंपाइलर में मूव करोगे, देन उस केस में कोड के नॉन पोर्टेबल होने के हाईली चांसेस हैं। यहां पर 16 to 32 बिट कोड आपका ऑलवेज कैसा होगा, पोर्टेबल, जैसे इसका एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर आप 32 बिट सी कंपाइलर के कोड को 16 बिट कंपाइलर में कॉपी करते हो या मूव करते हो, देन इस केस में कोड हो सकता है उसका बिहेवियर पोर्टेबल हो सकता है नॉन पोर्टेबल हो, दोनों ही केस पॉसिबल है, मे बी पोर्टेबल और मे बी नॉन पोर्टेबल। लेकिन 16 बिट कोड को 32 बिट कोड में मूव करोगे, देन उस केस में कोड ऑलवेज कैसा होगा, पोर्टेबल। विद एग्जांपल देखते हैं, मेरे लिए टेस्ट करना पॉसिबल है क्योंकि मेरे पीसी में करेंटली मेरे पास सी का 16 बिट कंपाइलर भी अवेलेबल है और 32 बिट कंपाइलर भी अवेलेबल है। लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। याद रखना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको नंबर सिस्टम का आइडिया होना बहुत जरूरी है। रीजन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेमोरी के साथ डील कर रहे हो और मेमोरी लेवल पर सब कुछ बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। तो आप कहीं ना कहीं बाइनरी नंबर्स के साथ डील कर रहे हो, मीन्स
अगर आपको डेप्थ लेवल का नॉलेज चाहिए तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, याद रखना ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट आपको इसका कहीं से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जैसा यूट्यूब पर भी मेरे वीडियो नंबर सिस्टम कन्वर्जन के लिए, तो आप वहां से भी जस्ट इसको रिकवर कर सकते हो ठीक है। यहाँ पर आज की क्लास में एज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको इस नंबर सिस्टम का बेसिक आइडिया अवेलेबल होगा। तो आप जस्ट टेस्ट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग केस है। फर्स्ट वन, सपोज दैट दिस इज 16 बिट सी कंपाइलर एंड दैट इज 32 बिट सी कंपाइलर, राइट। दोनों ही केस हैं। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट केस में सपोज दैट अगर आपने कोई सी प्रोग्राम या कोई भी कोड 16 बिट कंपाइलर के रिस्पेक्ट में राइट डाउन किया इन ऑर्डर टू 16 बिट सी कंपाइलर, तो आपको पता है यहाँ पर मैं कंपाइलर को हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ। जस्ट मेरा क्वेश्चन क्या आपसे, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन सी। आप लोगों को आइडिया है सी में, सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर का साइज क्या होता है। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आपने थोड़ा बहुत इतना तो सबको आइडिया हुआ, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन सी लैंग्वेज। मैं किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कमेंट करके बता सकते हो। बोलो, इंटीजर का साइज नहीं पता है क्या? जैसा कि आपको पता है सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर का साइज फिक्स है ही नहीं, राइट। मोस्ट ऑफ पर्सन ने करेक्ट आंसर सेंड किया है, कुछ लोगों का गलत भी है, गलत भी बोल सकते हो सही भी। रियल में क्या है, एक्चुअली सी लैंग्वेज के अंदर सी अगर नॉन पोर्टेबल है तो उसके पीछे बिगेस्ट रीजन क्या है, जस्ट साइज ऑफ इंटीजर, बिगेस्ट फैक्टर याद रखना। रीजन क्या, सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर का साइज फिक्स है ही नहीं, डिपेंड करेगा आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो। अगर आप 16 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हो, 16 बिट, तो 16 बिट कंपाइलर के अंदर इंटीजर का साइज क्या होता है, जस्ट 2 बाइट। और अगर आप या तो 32 बिट या फिर 64 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हो, देन उस केस में इंटीजर का साइज क्या होगा, जस्ट 4 बाइट, राइट। हाउ मच, 4 बाइट। यहाँ पर इंटीजर का साइज कैसा है, जस्ट कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट, ठीक है। आप टेस्ट कर सकते हो, चेक इट, दिस इज माई 64 बिट सी कंपाइलर। मैं करेंटली यूज क्या कर रहा हूँ, डेव सी प्लस प्लस। आप सभी लोग शायद इसके साथ फेमिलियर भी हो गए, और डेव सी प्लस प्लस में चेक करो करेंटली कंपाइलर इंफॉर्मेशन क्या है, 64 बिट रिलीज, दिस इज 64 बिट सी कंपाइलर, राइट। उसके बिहाफ पर आप बोल सकते हो करेंटली यहाँ पर इंटीजर का साइज क्या होना चाहिए, जस्ट 4 बाइट। टेस्ट करते हैं, वॉइड मैन जस्ट प्रिंट %d साइज ऑफ इंटीजर, राइट। यहाँ पर इसका साइज क्या आना चाहिए, जस्ट 4 बाइट। टेस्ट इट, व्हाट इज द साइज, जस्ट 4 बाइट्स। अगर आप यही प्रोग्राम 32 बिट कंपाइलर में चेक करोगे, किसमें, 32 बिट कंपाइलर में, सॉरी 16 बिट कंपाइलर में, देन वहां पर इंटीजर का साइज क्या आएगा, जस्ट 2 बाइट्स, राइट। सॉरी 16 बिट कंपाइलर में क्या आना चाहिए, जस्ट 2 बाइट। जैसा कि आपने देखा भी होगा, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, राइट। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कोई कोड राइट किया है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए अगर इंटीजर का साइज 2 बाइट है तो 2 बाइट होने के केसेस में इंटीजर का रेंज क्या हुआ, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर। जब आपको साइज पता है तो फिर रेंज भी पता होगा। जैसा कि आपको पता 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर का साइज 2 बाइट है, तो 2 बाइट की रेंज में मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, -32768, 2 + 32767, मींस इससे बड़ा नंबर स्टोर करना पॉसिबल नहीं, कब, अगर इंटीजर का साइज 2 बाइट है। बट सपोज दैट अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है, तो 4 बाइट में साइज इंक्रीज हुआ है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो रेंज भी इंक्रीज होगा कि नहीं हुआ, रेंज भी इंक्रीज होने के चांसेस है। तो इस केस में अभी मैं मिनिमम रेंज तो राइट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। मिनिमम रेंज भी क्या होता है इसका, -21 47 48 36 48, तो मैक्सिमम रेंज क्या है इसका, सेम, जस्ट लास्ट में क्या जाएगा, 47, राइट, 47।
सेवन दैट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ इंटीजर इन विच कंपाइलर, 32-bit कंपाइलर और 64-bit कंपाइलर, दैट्स इट। बट सपोज दैट मैंने यहाँ पर कोई सी प्रोग्राम राइट किया अकॉर्डिंग टू 16-bit कंपाइलर, सपोज दैट आपकी बात करें, अगर आप करेंटली यूज क्या कर रहे हैं 16-bit कंपाइलर, तो एज अ 16-bit कंपाइलर और एज अ प्रोग्रामर इस केस में आप 100% श्योर हो कि इंटीजर का साइज 2 byte होने वाला है। अगर इंटीजर का साइज 2 byte है तो उस केस में आपको ये भी पता है इसमें मैक्सिमम अलाउड वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जस्ट 32768, क्या है सॉरी 32767, तो आप मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज तक असाइन कर सकते हो, इससे बड़ा वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल नहीं। जब आप श्योर हो और रियल प्रोग्रामर भी हो तो इससे बड़ा वैल्यू क्यों असाइन करोगे, क्योंकि आपको पता है उस केस में डेटा लॉस्ट होने के चांसेस हैं। उसके बाद जस्ट उन्हें यूज किया गया परसेंट डी वांट टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। ये कोड मैंने भी करेंटली किस कंपाइलर के रिस्पेक्ट में राइट किया, 16-bit कंपाइलर के रिस्पेक्ट में, इन ऑर्डर टू 16-bit सी कंपाइलर। सपोज दैट जस्ट पेन ड्राइव में कॉपी करके मैंने यही सोर्स कोड पेस्ट किस में करा लिया, या तो 64-bit कंपाइलर में या फिर 32-bit सी कंपाइलर में, राइट, सेम सोर्स कोड। दोनों ही केस में इसका बिहेवियर चेक करते हैं, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ 16-bit कंपाइलर की, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। 16-bit कंपाइलर में जब आप इस कोड को टेस्ट करोगे, तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है समथिंग एक्स, जैसा कि आपको पता है एक्स का डेटा टाइप इंटीजर है, तो एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ऑलरेडी मैंने लिखवाया है 16-bit कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या हुआ, जस्ट 2 bytes, और 2 bytes किसके बराबर होंगे, जस्ट 1 byte में 8 bits है, तो 2 bytes में कितने बिट्स होंगे, 16 bits। यहां पर जस्ट मेमोरी लेवल पर एक्स नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, राइट, लेकिन एक्स के लिए टोटल बाइट्स कितने एलोकेट हुए, जस्ट 2 bytes। जब ये वैल्यू 32767 एक्स में असाइन हुआ तो क्या डायरेक्टली असाइन हुआ, नहीं, सबसे पहले अगर आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो तो वैल्यू मेमोरी लेवल पर हमेशा बाइनरी फॉर्म में असाइन होता है, किस फॉर्म में, बाइनरी बिट्स के फॉर्म में, 1 और 0 के फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको 32767 का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए, राइट। 32767 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 15 times 1, क्या होता है, आप 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हो फ्री टाइम में, जिससे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, तो 32767 का बाइनरी नंबर क्या है, जस्ट 15 times 1, दैट इज 8 bits, दैट इज 7 bits, राइट। तो डेटा आप असाइन किस में करोगे, मतलब पहले आपने 32767 का बाइनरी नंबर निकाल लिया, लेकिन बाइनरी नंबर अभी करेंटली कितने बिट्स में है, 15 बिट्स में, लेकिन एक्स के पास कितने बिट्स हैं, 15 और 16, यहाँ पर जब ये डेटा कॉपी होगा तो कॉपी होने का वे क्या रहेगा, जस्ट लाइक दैट, तो राइट मोस्ट 8 बिट्स हैं, राइट, तो राइट मोस्ट 8 बिट्स एक्स के राइट मोस्ट पार्टीशन में कॉपी हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट 8 times 1, कॉपी क्या हो रहा है, 8 times 1, राइट। नेक्स्ट वन सिमिलरली, लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है इसमें बिट्स कितने, ओनली सेवन, लेकिन एक्स के पास बिट्स अवेलेबल कितने हैं, अभी भी कितने बिट्स रिमेनिंग बच रहे हैं, 1 byte, और 1 byte में कितने बिट्स हैं, 8 bits, तो नेक्स्ट लेवल पर जस्ट केवल 7 bits अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर कॉपी क्या हो रहा है, जस्ट 7 times 1, राइट, 7 times 1, तो 1 bit इसमें खाली बच रहा है, जो खाली बच रहा है उसके प्लेस पर कुछ तो आएगा, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, जस्ट 0, क्या बोल सकते हो, जस्ट 0, राइट। और एक्स साइंड इंटीजर है, जिससे फर्स्ट बिट क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, साइन बिट, और आपको जैसा क्या पता होगा, अगर साइन बिट 0 है तो पॉजिटिव, और साइन बिट अगर 1 है तो वो नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जस्ट ए बेसिक लेवल ऑपरेशन से जो कि आपको आना चाहिए, अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो लो लेवल ऑपरेशन आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, अगर आपको नहीं आते हैं सेपरेटली मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, उसके मैं सेपरेट क्लास अरेंज कर दूंगा, ठीक है, बाकी जिन लोगों को आता है मैं उनको अफेक्ट नहीं करना चाहता, बाइनरी लेवल के ऑपरेशन समझना है, सारे ऑपरेशन क्लियर कर दूंगा, हालांकि ऑपरेशन जिन लोगों को लगता हुआ कि हमें आते हैं उनको भी नहीं आते होंगे, अगर ऐसा लगता है तो मुझे पूछ लेना। अब 10 questions की बात करूँ, 10 questions सेंड कर दूंगा, शायद आप एक क्वेश्चन का भी आंसर ना भेज पाओ, तब जब आपको बहुत अच्छे से लगता है हमें आते हैं, उस केस में बात कर रहा हूँ, इनको नहीं आते वो एक अलग बात हो गई।
मतलब ये ऑपरेशन सभी को सीखने की जरूरत है, राइट। कभी फ्री टाइम में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जस्ट एक्स का साइन बिट क्या है, जीरो, गुड। उसके बाद प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, राइट, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराया है। तो एक्स में जो डेटा अवेलेबल है प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, लेकिन परसेंट डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका मतलब आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में। तो इस बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल कन्वर्जन के बाद इसका वैल्यू 32767 ही आना है, नो डाउट, ठीक है। मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 32767, ऑब्जेक्ट बनना। देन अब इस कोड को, मतलब ये कोड मैंने राइट किसके रिस्पेक्ट में किया था, 16 बिट कंपाइलर के रिस्पेक्ट में, और मूव कहाँ किया, 32 बिट कंपाइलर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस में आउटपुट चेंज होने का कोई चांस है क्या, नहीं। रीजन, क्योंकि लोअर कंपाइलर के कोड को हायर कंपाइलर के रिस्पेक्ट में कॉपी करोगे देन आउटपुट सेम ही आएगा। चेक करते हैं ऐसा क्यों है। जब यही कोड आप 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर में टेस्ट करो, अब एक्स के लिए कितना स्पेस एलोकेट होगा, 2 बाइट और 4 बाइट। इस कंपाइलर में एक्स का साइज क्या ना, जस्ट 4 बाइट्स, राइट। जिस वेरिएबल के लिए पहले 2 बाइट्स एलोकेट हुए थे, अब उसी वेरिएबल के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होने वाले हैं, जस्ट 4 बाइट्स, दैट्स इट। इसके लिए वेरिएबल एक्स, तो एक्स के लिए मैंने 4 बाइट का कोई ब्लॉक एलोकेट कर लिया, और एक्स साइंड इंटीजर है, कैसा, जस्ट साइंड इंटीजर। तो साइंड इंटीजर में आपको पता है, साइंड इंटीजर के अंदर फर्स्ट बिट ऑलवेज कैसा होता है, फर्स्ट बिट ऑलवेज साइंड बिट, राइट। यहां पर एक्स के लिए भी आप बोल सकते हो, एक्स का फर्स्ट बिट जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज साइन बिट। एक्स में असाइन क्या करना है, असाइन तो सेम ही करना है। अभी भी यहां पर भी आपको पता है, इस केस में भी एक्स में असाइन क्या हो रहा है, 32767 ही असाइन हो रहा है। तो 32767 का बाइनरी नंबर आपके लिए नॉन है, राइट। क्या है इसका बाइनरी नंबर, जैसा कि आपने अभी देखा था, 1111, ठीक है। स्पेस थोड़ा छोटा हो रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पर आप बोल सकते हो इसका बाइनरी नंबर मैंने प्रीवियस केस में राइट डाउन किया था 7 टाइम 1, तो जिसमें फर्स्ट बिट क्या है, जिनके लिए मैंने जस्ट 0, राइट, 7 टाइम्स 1, देन 8 टाइम्स 1। तो ये डेटा कॉपी किस में हो जाएगा, एक्स में, राइट। तो एक्स के लिए अवेलेबल कितने बिट्स हैं देखा जाए तो 15 बिट्स, मतलब जो डेटा है, डेटा कितने बिट्स में, 15 बिट्स में, लेकिन एक्स के लिए स्पेस कितना एलोकेट हुआ है, 15 बिट्स और 32 बिट्स, 32 बिट्स। 1 बाइट में 4 बिट हैं, तो 4 बाइट में कितने बिट्स हुए, जस्ट 32 बिट्स, राइट। तो यहाँ पर जस्ट आप बोल सकते हो डेटा कॉपी कुछ इस टाइप से हुआ हुआ, 0 1 1 एंड अगेन 4 टाइम्स 1। नेक्स्ट लेवल पर क्या है, जस्ट 8 टाइम्स 1, ठीक है। रिमेनिंग बिट्स में क्या स्टोर होगा, बोलो, रिमेनिंग बिट्स में क्या साइन होगा, बाय डिफॉल्ट रिमेनिंग बिट्स में जितने भी एम्प्टी बिट्स बचे हुए हैं उन सभी बिट्स में आप कॉपी क्या कर लोगे, जस्ट डिफॉल्ट बिट इज 0, राइट। ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा 0 साइन होता है, याद रखना 1 भी हो सकता है। किस केस में होता है वो अभी तो नहीं पता मुझे, कभी देखेंगे, एक एग्जाम्पल दे दूंगा आज क्लास के एंड में, ट्राई करके आना, फिर आपको पता चल जाएगा किस केस में बिट 1 हो सकता है। जैसे मैंने असाइन कर लिया तो रिमेनिंग बिट्स आप बोल सकते हो जिस कॉपी क्या हुए, ऑल टाइम 0। तो यहाँ पर कोई डेटा लॉस्ट हुआ है क्या, नहीं। कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक्स का साइन बिट, तो एक्स का साइन बिट अभी भी क्या है, 0। तो मीन्स निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इसका डेसिमल नंबर निकालो, मीन्स नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ को जब चांस मिलेगा तो प्रिंट एफ से एक्स का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, और लेकिन एक्स का वैल्यू डिस्प्ले किससे कराया, परसेंट डी से, मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इस डेसिमल का अगर आप फिर से, सॉरी, इस बाइनरी का फिर से डेसिमल कन्वर्जन करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा, 32767। मीन्स इस केस में रिजल्ट के चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, अभी ट्राई करके भी बताऊंगा, बट रिवर्स। अब मैं नेक्स्ट लेवल पर ट्राई क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास जो कोड है वन साइड, मतलब अब मैं कोड में राइट करूंगा इन ऑर्डर टू
32 बिट सी कंपाइलर, और इस कोड को मूव क्या करूंगा ऑन द 16 बिट सी कंपाइलर। जब आप 32 बिट कंपाइलर के कोड को 16 बिट कंपाइलर में मूव कराओगे तो देखते हैं इस केस में आउटपुट चेंज होने के चांसेस हैं कि नहीं, राइट। इस बार एज्यूम क्या करो, दैट इज 32 बिट कंपाइलर, कोड राइट करते हैं एज अ प्रोग्रामर। सपोज दैट अगर आप 32 बिट कंपाइलर में सी प्रोग्राम राइट कर रहे हो तो आप 100% श्योर हो यहाँ पर इंटीजर का साइज 4 बाइट आने वाला है। जब 4 बाइट आने वाला है तो फिर आपको ये भी पता है इसमें मैक्सिमम अलाउड वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आसान कर सकते हैं, 21, 47, 48, 36, 47, राइट। उसके बाद सिंपली मैंने डिस्प्ले कराया तो इस केस में तो कोई इशू है ही नहीं। आपको पता है वैल्यू विद इन रेंज है तो सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट, नो प्रॉब्लम, गुड, ठीक है। बट यही कोड अब मैं मूव कहां कर रहा हूं, सेम कोड वी वांट टू मूव ऑन 16 बिट सी कंपाइलर, राइट, 16 बिट। जैसे मेरे पास टेस्टिंग के 16 बिट सी कंपाइलर कौन सा है, जस्ट टर्बो सी कंपाइलर। टर्बो सी कंपाइलर किस कैटेगरी में आता है, 16 बिट सी कंपाइलर की कैटेगरी में, राइट। अपना वीडियो ऑफ कर लो, देखते हैं इसको मूव भी करेंगे अगेन, फिर से सेम डायग्राम देखते हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है भी। फर्स्ट वन 16 बिट कंपाइलर में जब एक्स एग्जीक्यूट होगा, सॉरी जब इस प्रोग्राम को पहले मैं 32 बिट में टेस्ट करता हूं, राइट, यहां पर आपको पता है इंटीजर के लिए कितना स्पेस एलोकेट होने वाला है। इंटीजर मीन्स एक्स, एक्स के लिए कितना स्पेस एलोकेट करोगे, जस्ट 4 बाइट। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ करेंटली कंपाइलर कौन सा, 32 बाइट, तो इंटीजर मीन्स 4 बाइट, राइट, तो 4 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा, राइट। देन जो वैल्यू आपने असाइन किया, ये वैल्यू डायरेक्टली स्टोर होगा बाइनरी फॉर्म में, यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है, मैं नीचे क्रिएट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। दैट इज अ वेरिएबल एक्स, कितना स्पेस एलोकेट कराना है इंटीजर्स के अकॉर्डिंग, जस्ट 4 बाइट। दूसरा केस, बाय डिफॉल्ट कोई भी इंटीजर साइंड होता है और अनसाइंड, जस्ट साइंड इंटीजर। साइंड है तो कहीं ना कहीं इसका फर्स्ट बिट आपके लिए अंडरस्टूड है, फर्स्ट बिट क्या होगा इसका, साइन बिट, फर्स्ट बिट इज साइन बिट। असाइन क्या कराया था मैंने एक्स में, फिजिकली एक्स इक्वल टू 21, 47, 48, 36, 47, तो ये नंबर डायरेक्टली साइन हुआ है बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। अगर आप इसका बाइनरी नंबर निकालोगे तो 31 times 1 आएगा, आप 2 से डिवाइड करके बाद में फ्री टाइम में चेक कर लेना, 31 times 1, राइट। लेकिन टोटल बिट्स कितने हैं, 32, तो इसको 32 बिट में कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट बिट क्या आ जाएगा, 1, और रिमेनिंग बिट्स क्या हो जाएंगे, ऑल टाइम 1 जो भी है, राइट। तो मैं इसको डायरेक्टली फ्लप कर देता हूं जैसा कि आपके लिए अंडरस्टूड है। तो यहां पर ये नंबर पॉजिटिव है प्लस रेंज में भी है, तो अपने लिए अंडरस्टूड, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो 100% इसका साइन बिट क्या रहा हुआ, 0, नो डाउट। और रिमेनिंग बिट्स क्या है, ये इंटीजर का मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज अगर आप कभी भी किसी भी नंबर का निकालोगे उसका फर्स्ट बिट ऑलवेज 0 ही मिलेगा और रिमेनिंग बिट्स ऑलवेज 1 होंगे, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर आपको प्रेस वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप फ्री टाइम में इसको जस्ट टेस्ट कर सकते हो, बाइनरी नंबर निकाल के जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना, व्हाट एवर, क्या आ जाएगा, जस्ट 1, दैट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर डेटा रेंज में है, फाइनली जब परसेंट डी के थ्रू डिस्प्ले कराओगे तो बाइनरी नंबर डेसीमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ नंबर का साइन बिट 0 है इसलिए इसका डेसीमल कन्वर्जन डायरेक्टली हुआ विदाउट एनी टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। अगर इसका साइन बिट 1 होता तो इसका डेसिमल नंबर डायरेक्टली निकाला जाता और आफ्टर टू इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ऑपरेशन आपके लिए तभी समझना पॉसिबल अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन का नॉलेज है, अगर नहीं भी है तो आपको जस्ट पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है अभी करंटली पाइथन में इसकी। लेकिन अगर आप नॉलेज इंक्रीज करेंगे, सीखना चाहो तो मैं फ्री टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या 21, 47, 48, 36, 48, 47 सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट। मेन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जब इस कोड को आप 16 बिट कंपाइलर में मूव करोगे तो यही प्रोग्राम अब मैं 16 बिट कंपाइलर में रन कर रहा हूं। पहले ऑब्जर्व करना, 32 बिट कंपाइलर में इसका आउटपुट मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया, राइट। जब आप 16 बिट कंपाइलर में टेस्ट करोगे तो यहां पर भी क्रिएट किया हुआ वेरिएबल एक्स,
आपको पता है एज अ प्रोग्रामर 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या हुआ, 4 बाइट और ओनली 2 बाइट्स, जस्ट ओनली 2 बाइट्स, सही है, हाउ मच, जस्ट 2 बाइट्स ओनली। नेक्स्ट, जिसमें इसका फर्स्ट बिट क्या हुआ, जस्ट साइन बिट। अब एक्स में आपको असाइन क्या करना, बाइनरी नंबर ऑफ 21 47 48 36 47, तो इसका बाइनरी नंबर तो अपने ऑलरेडी देखा था, एक्चुअली इसका 21 47 48, इसे राइट डाउन कर लेता हूँ, 21 47 48 36 47, इसका बाइनरी नंबर तो आपके लिए अंडरस्टूड है क्या है, जस्ट 31 टाइम्स 1। अगर 32 बिट में आप राइट करना चाहते हो टेस्टिंग के लिए तो कुछ इस टाइप से आप बोल सकते हो, 4 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन में राइट कर रहा हूँ जिससे अपन को प्रॉपरली विजिबल हो, 1 2 3 कंप्लीटेड। अब मैं 8 बिट्स में इसको ग्रुप कर रहा हूँ, 8 8 बिट्स के फॉर्म में, ठीक है, तो टोटल कितने बाइट्स क्रिएट हो रहे हैं, जस्ट 4 बाइट। आप बोल सकते हो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये तो जीरो, तो जीरो मीन्स नथिंग, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, डजंट मैटर, दैट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 21 47 48 36 47। अब ये नंबर आपने बाइनरी फॉर्म में तो निकाल लिया, लेकिन एक्चुअली इसको असाइन किसमें कराना था, एक्स के अंदर, एक्स के पास अवेलेबल कितने बाइट्स हैं, ओनली 2 बाइट्स, 2 बाइट में 16 बिट, मतलब इस रेंज के वैल्यू को स्टोर कराने के लिए आपको कितने बाइट की जरूरत थी, 4 बाइट्स की, लेकिन करेंटली मेरे पास एक्स के फॉर्म में अवेलेबल कितने बाइट्स हैं, 4 बाइट और ओनली 2 बाइट्स, राइट, तो इस केस में आपके लिए केवल 2 बाइट डेटा सेव करना पॉसिबल है, जस्ट 2 बाइट। यहाँ पर जब ये डेटा असाइन हुआ या कॉपी हुआ तो इसको कॉपी करने का वे क्या हुआ, जस्ट लाइक दैट वे राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता, असाइनमेंट किस ऑर्डर में हुआ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पहले राइट मोस्ट 8 बिट्स कॉपी हो जाएंगे, देन नेक्स्ट राइट मोस्ट 8 बिट्स, तो रिमेनिंग जो 15 बिट्स बचे हुए हैं इनको आप बोलोगे लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, नाउ द डेटा गॉट लॉस्ट, राइट, तो एक्स में असाइन क्या हुआ है, अभी कमेंट्स मत करो, इन दैट केस जस्ट एक्स में आपको पता है कॉपी क्या हो चुका है, 16 टाइम्स 1, डेटा लॉस्ट कितना हुआ, 15 टाइम्स, और 15 बिट्स आपके इस केस में लॉस्ट हो चुके हैं, लॉजिकली आप बोल सकते हो। उसके बाद ये भी मैटर नहीं है, चेक करो यहाँ पर एक्स में जो डेटा साइन किया है इसके बिहाफ पर एक्स का साइन बिट क्या है, साइन बिट इज 0, अभी तक आपने देखा था साइन बिट 1 सॉरी 0 आ रहा था, लेकिन इस बार क्या, साइन बिट इज 1, तो ये नंबर एक्चुअली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने फिजिकली पॉजिटिव नंबर असाइन किया नो डाउट, लेकिन साइन बिट 1 होने की वजह से जस्ट इसको एज्यूम क्या करेगा, दैट इज नेगेटिव नंबर। जब इसका डेसिमल कन्वर्जन हुआ तो याद रखना, अगर किसी भी नंबर का साइन बिट 1 होता है तो जब इस बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो इसका डेसिमल कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं होता है, ऑलवेज याद रखना, जैसे करेंटली डेटा क्या है 16 टाइम्स 1, यही तो था एक्स में, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स में करेंटली डेटा स्टोरेज का साइन बिट 1 है, जब इस सिचुएशन में आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करो तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो रूल क्या है, सबसे पहले आप बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी बाइनरी फॉर्म में हुआ, उस टूज कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है बाई अप्लाइंग माइनस साइन, राइट, लाइक दैट, देखते हैं। आपको ये भी पता होगा टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले इस नंबर का आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग 0 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं और 1 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको अभी ऑपरेशन समझ में ना आए सिंपली छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं इसकी, मेरा इंटेंशन क्या है, जस्ट आउटपुट चेक करना है, आउटपुट क्या रहा है, दैट इज यहाँ पर 1 के सारे ऑकरेंस 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट है या वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट याद रखना, पहले मैंने एक्स का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया, अब कैलकुलेट क्या करना है, जस्ट इस वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड क्या करवाना है, 1 ऐड क्या कराना है इसके अंदर, 1, राइट, 1 को ऐड करा हुए तो उस केस में रिमेनिंग बिट्स को कंसीडर कर लेंगे जस्ट 0, राइट, इस केस में एडिशन कराओ तो फर्स्ट टाइम 0 और 1 का एडिशन तो 1 आएगा, लेकिन रिमेनिंग केस में दोनों बिट्स क्या है 0 0, तो आप बोल सकते हो
ऑल बिट्स क्या होंगे, जस्ट जीरो 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 जीरो, ये रिजल्ट कब है, जस्ट आफ्टर टूज कॉम्प्लीमेंट। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको क्या बोला था, पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, अब आपको डेसिमल नंबर निकालना है, और उसके लिए साइन कौन सा अप्लाई करोगे, माइनस। तो इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर आपको क्लियरली दिख रहा है, ऑल टाइम जस्ट एक बिट वन है, रिमेनिंग जीरो है, तो इसका डेसिमल क्या आएगा, जस्ट वन, राइट। लेकिन साइन कौन सा है, डायरेक्टली तो आया नहीं, टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद आया, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन। तो एक्चुअली इस केस में आउटपुट माइनस वन आएगा, क्या आएगा, जस्ट माइनस वन। ऑब्जर्व करो, इसी कोड के लिए 1632 बिट कंपाइलर में आउटपुट क्या आया था, कंपेयर कर सकते हो, इसी कोड के लिए 32 बिट कंपाइलर में आउटपुट क्या आया था, 2147 48 3647 समथिंग। लेकिन उसी कोड के लिए 16 बिट कंपाइलर ने आउटपुट क्या दिया, जस्ट टू माइनस वन, दैट इज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये बाइनरी लेवल के ऑपरेशन समझने की आपको जरूरत नहीं थी, आपको तो केवल आउटपुट कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अब जस्ट मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोड किसके अकॉर्डिंग राइट करना था, अकॉर्डिंग टू 32 बिट और 64 बिट कंपाइलर। पहले मैं 64 बिट कंपाइलर में राइट करता हूँ, जैसा कि मेरे लिए अंडरस्टूड है, यहाँ पर इंटीजर का साइज 4 बाइट होने वाला है, 2147 48 3647। इसका मतलब मेरे लिए इस रेंज का डेटा इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करना और मैनेज करना पॉसिबल है। चेक करते हैं आउटपुट, तो चेक करो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि नहीं, एक्सपेक्टेड आउटपुट है। अभी मैंने जो कोड राइट किया था, यही कोड अब मैं टर्बो सी में टेस्ट करने वाला हूँ, राइट, टर्बो सी कंपाइलर में। और टर्बो सी कंपाइलर इस कोड को कॉपी पेस्ट करना पॉसिबल नहीं, इसलिए मुझे जस्ट रीराइट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें। वही कोड मैं राइट कर लेता हूं, वाइट मैन, जैसा कि आपने देखा कोड क्या राइट किया था, मैंने माइनस सॉरी एक्स इक्वल टू 2147 48 36 47। आप जस्ट एज्यूम कर लो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, 2147 48 36 47, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर सी एल आर एस सी आर की भी जरूरत पड़ेगी, और गेट सी ए समथिंग परसेंट डी अगेन एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया था, इस केस में वैल्यू तो सेम ही, मतलब वही सोर्स कोड है, राइट। सी एल आर एस सी आर आप सोचते हो, नहीं सर वही सोर्स कोड कैसे, इसमें सी एल आर एस सी आर भी है, इसके अंदर सर गेट सी एच भी है, कोई बात नहीं, इनको हटा दो। अब चेक कर लो सेम सोर्स कोड है कि नहीं, एग्जैक्टली सेम सोर्स कोड है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 2147 48 36 47, लेकिन आना क्या चाहिए, जस्ट माइनस वन, टेस्ट इट। आउटपुट क्या आ रहा है इस केस में, माइनस वन, क्लियर है। अगर आप चाहते हो ओल्ड मैसेज दिख रहा है, वो विजिबल ना हो, सिंपली सी एल आर एस सी आर लगा लो, तो इनसे कभी आउटपुट अफेक्ट होगा क्या, नहीं। वॉच करने के लिए गेट सी एच, टेस्ट इट, क्या आ रहा है, फाइनली जस्ट माइनस वन, क्लियर है सबको। तो इसलिए आपको खुद ही आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हो, सी 100% पोर्टेबल नहीं है, उसमें बिगेस्ट रीजन कौन है, जस्ट इंटीजर और साइज ऑफ इंटीजर। आई थिंक आपको पोर्टेबल फीचर क्लियर हो चुका होगा, लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको पाइथन में कभी भी आने वाले नहीं, नेवर। एक सिंगल प्रोग्राम ऐसा नहीं ला सकते हो जहां पर पाइथन के अंदर कंपाइलर चेंज करने पर आउटपुट चेंज होने के चांसेस हो, क्लियर है सबको। नेक्स्ट फीचर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जस्ट पहले मैं डायनेमिक टाइप डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है, जस्ट पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं कि मुझे रिमेनिंग फीचर डिस्कस नहीं करना है, वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं डायनेमिक टाइप डिस्कस करना चाहता हूँ, ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए। थर्ड वन, पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे सी लैंग्वेज या कोरजावा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उनको मैंने बताया हुआ कोरजावा में एक फीचर था, जावा सपोर्ट्स डायनेमिक कोड लोडिंग। लेकिन ये डायनेमिक कोड लोडिंग फीचर कंप्लीटली डिफरेंट है, और डायनेमिक टाइप चेक फीचर कंप्लीटली डिफरेंट, इसका कोड लोडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं लोडिंग की बात नहीं कर रहा, जस्ट व्हाट अबाउट डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप का मतलब, या टाइप का मतलब क्या है, जस्ट डेटा टाइप्स,
राइट। तो सी लैंग्वेज के अंदर या जावा प्रोग्राम में अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, वेरिएबल्स को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या यूज करते हो, समथिंग डेटा टाइप वेरिएबल नेम वेरिएबल वैल्यू, दैट दैट इज द सिंपलेस्ट सिंटेक्स फॉलोड बाय सी सी प्लस प्लस एंड जावा और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, सबसे पहले क्या था, डेटा टाइप। अगर आप में से कोई भी ओल्ड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ चुके हो तो आपको सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आता है वो डेटा टाइप्स को लेकर ही आता है, कि हमको डेटा टाइप चेंज होने पर वेरिएबल का साइज भी चेंज होता है और साइज चेंज होने की वजह से वेरिएबल्स का रेंज भी चेंज हो जाता है। तो इसको लेकर कई सारे प्रॉब्लम्स फील किया होंगे, स्पेशली इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा इशू आते हैं, क्योंकि वहां पर साइंड अनसाइंड भी होता है, शॉर्ट लॉन्ग भी होता है, तो कई सारे ढेर सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं आपके लिए। पाइथन की बात करते हैं, राइट। सपोज दैट अगर मुझे इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कराना है, जस्ट आप डेटा टाइप क्या यूज कर लोगे इस सिचुएशन में, वेरिएबल का जस्ट इंटीजर, वेरिएबल नेम मे बी एस एक्स, और आपको आपके आपका फेवरेट नंबर असाइन करना पॉसिबल है, मे बी 10 20 वाट एवर, राइट। तो एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, तो यहाँ पर आप चेक करो सोर्स कोड देखकर आप एग्जैक्टली श्योर हो चुके हो एक्स का डेटा टाइप क्या है, जस्ट इंटीजर, राइट। इसके साथ साथ अगर आप 64 बिट कंपाइलर यूज करो तो आपके लिए बताना पॉसिबल इसका साइज 4 बाइट है, और इसका रेंज भी आपके लिए बताना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रेंज के रिस्पेक्ट में लिमिटेड है कि नहीं, इसका मैक्सिमम रेंज क्या है। मान लो अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट भी है कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसका मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, 21 47 48 36 47। क्या इंटीजर में इससे बड़ा नंबर स्टोर करना पॉसिबल है, नेवर, ना ही जावा के अंदर ना ही सी के अंदर, राइट। दूसरी बात, चलो आपने इसका डेटा टाइप डिक्लेयर भी कर लिया, एक्स में आप नेक्स्ट टाइम न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हो कि नहीं, न्यू वैल्यू असाइन करना पॉसिबल है, राइट, समथिंग 20 और वाट एवर। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया इसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो ऑलवेज इसमें इंटीजर वैल्यू असाइन करना पॉसिबल है। क्या इस प्लेस पर आपके लिए डेसिमल वैल्यू असाइन करना पॉसिबल है, नेवर। क्या आएगा, मे बी कंपाइल टाइम एरर्स। और अगर आप फोर्सफुली असाइन करने के लिए ट्राई करोगे भी तो उसमें असाइन क्या होगा, ओनली 2 नॉट 2.5, राइट। नेक्स्ट वन, अगेन इस वेरिएबल एक्स में बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स असाइन करना पॉसिबल है क्या, नहीं। सेम एज, अगर सेम वेरिएबल एक्स में क्या आपके लिए स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करना पॉसिबल है, नेवर। अगर आपने ऑलरेडी इसका डेटा टाइप अप्लाई किया है इंटीजर, तो केवल इस वेरिएबल के अंदर कोई भी इंटीजर नंबर असाइन कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट टाइप का डेटा असाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका डेटा टाइप ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। मीन्स अगर अभी तक आपने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो किए, सभी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का टाइप उसके डेटा टाइप के बेसिस पर फिक्स हो जाता है। जिन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का डेटा टाइप फिक्स हो जाता है, उन लैंग्वेज को कंसीडर किया जाता है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज कैसे होंगी, डायनेमिक टाइप और स्टैटिकल टाइप, स्टैटिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल्स का टाइप, टाइप इन द सेंस टाइप ऑफ कंटेंट्स, वेरिएबल का टाइप उनके डेटा टाइप के बेसिस पर फिक्स हो रहा है। इन पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो या डिक्लेयर कर रहे हो, आपको कभी भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है इन केस ऑफ पाइथन। अगर आपने वेरिएबल में 10 असाइन किया है तो ऑटोमेटिकली पाइथन वर्चुअल मशीन इसका टाइप कंसीडर करेगा इंटीजर। अगर आपने यहाँ पर फ्लोट वैल्यू असाइन किया है तो यहाँ पर पीवीएम इसको कंसिडर करेगा एज अ फ्लोट। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग असाइन किया तो ऑटोमेटिकली एक्स का टाइप कंसीडर होगा जस्ट स्ट्रिंग, लाइक दैट। जो पाइथन वर्चुअल मशीन है यहाँ पर कभी भी किसी वेरिएबल का टाइप फिक्स होता ही नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपने किस टाइप का वैल्यू असाइन किया है, राइट। बेस्ड ऑन टाइप, सॉरी, पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल का टाइप डिसाइड किसके बेस पर होता है, बेस्ड ऑन डेटा टाइप और बेस्ड ऑन स्टोर्ड वैल्यू, बेस्ड ऑन असाइंड वैल्यू। जिस टाइप का वैल्यू असाइन करोगे वो अपने आप को उसी टाइप का वेरिएबल ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात, यहाँ पर फिक्स हो चुका है एक्स का टाइप क्या है, जस्ट स्ट्रिंग, राइट। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रिंग असाइन कर चुके हो तो मतलब कहीं ना कहीं कंपाइलर को इन्फॉर्म कर चुके हो दैट इज स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू, तो फ्यूचर में फिर आपके लिए इसमें इंटीजर असाइन करना पॉसिबल होगा क्या,
पाइथन में अगर ऑलरेडी आप बोल चुके एक्स इज स्ट्रिंग टाइप, फिर आप लाइफ टाइम केवल स्ट्रिंग असाइन करना चाहिए राइट। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है, पाइथन के अंदर बार बार फ्रिक्वेंटली किसी भी वेरिएबल का टाइप कंटेंट्स के बेसिस पर स्विच करना पॉसिबल और चेंज करना पॉसिबल है, मतलब ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। फर्स्ट टाइम जब स्ट्रिंग असाइन किया तो उस केस में यही वेरिएबल ट्रीट होगा एज अ स्ट्रिंग, अगर आपने इंटीजर असाइन किया तो नेक्स्ट लेवल पर सेम वेरिएबल, वेरिएबल का नेम चेंज हुआ है क्या नहीं, नेक्स्ट लेवल पर यही वेरिएबल कंसिडर होगा एज अ इंटीजर। आफ्टर सम प्लेस अगर आप इस वेरिएबल में बूलियन वैल्यू असाइन करते हो तो यहाँ पर इसको अपने आप को एज्यूम करेगा एज अ बूलियन राइट। आफ्टर सम प्लेस अगर आप सेम वेरिएबल में डेसिमल वैल्यू असाइन करते हो तो यही वेरिएबल अपने आप को इंटरप्रेट और ट्रीट करेगा एज अ फ्लोट। आफ्टर सम प्लेस अगर आप एक्स में लिस्ट ऑफ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यू ये भी पॉसिबल है, ये एरे नहीं है याद रखना, पाइथन एरे को सपोर्ट करता ही नहीं है क्योंकि पाइथन ने आपके लिए एरे से भी बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं राइट। पाइथन में डायरेक्टली एरे यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपने जस्ट लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड किए समथिंग 10, 20, 30 राइट, तो उस केस में ऑटोमेटिकली इमीडिएटली एक्स अपने आप को कंसिडर क्या करेगा जस्ट लाइक अ लिस्ट राइट। तो लिस्ट भी पाइथन में एक्चुअली डेटा टाइप है या बोल सकते हैं सिक्वेंस टाइप, तो ये सब कुछ मैं डेटा टाइप के टाइम पर डिस्कस करूंगा, वो अभी का मैटर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात क्या है, पाइथन में अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो वेरिएबल के डेटा टाइप को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप तो जस्ट डायरेक्टली जिस टाइप का वैल्यू आपको जरूरत है उस वैल्यू को असाइन करना स्टार्ट करो राइट, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर वैल्यू का टाइप स्टैटिकली फिक्स्ड हो रहा है या बार बार चेंज हो रहा है, चेंजेबल है, फिक्स्ड है क्या नहीं, तो इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, इट इज डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। दूसरी बात, पाइथन लैंग्वेज डेटा टाइप्स को रियल में सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, पाइथन के अंदर जैसे सी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीडिफाइन कीवर्ड्स हैं, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, व्हाटएवर, इन केस ऑफ सी, सी प्लस प्लस में भी है, जावा के अंदर भी इनके लिए कीवर्ड्स हैं क्या, कैर, बाइट, सॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लाइक दैट, जावा में भी डेटा टाइप्स के लिए कीवर्ड है, क्या पाइथन के अंदर भी डेटा टाइप्स के लिए कोई कीवर्ड है क्या, याद रखना ये आपके लिए कंफ्यूजन रहता है, आपको ऐसा लग रहा है कि पाइथन में डेटा टाइप नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, पाइथन डेटा टाइप को तो सपोर्ट करता है लेकिन इंटरनली याद रखना, इंटरनली सारे के सारे वैल्यूज और वेरिएबल्स किसी न किसी डेटा टाइप के फॉर्म में कंसिडर होते हैं इंटरनली मेमोरी लेवल पर, लेकिन ये डेटा टाइप आपके लिए एक्सप्लिसिटली असाइन करने की या राइट करने की परमिशन नहीं देता है, मतलब एज अ प्रोग्रामर आपको खुद से कभी कोई डेटा टाइप राइट करने की नीड नहीं होगी, लेकिन इंटरनली मेमोरी लेवल पर सारे के सारे वैल्यूज किसी न किसी डेटा टाइप के फॉर्म में मैनिपुलेट होते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट डेमो लेक्चर में आपको बोला था, अगर आपके पास पाइथन में कोई वेरिएबल अवेलेबल है राइट, एक और चीज याद रखना, अगर आपने पाइथन के वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू असाइन किया है तो जनरली रियल में ये वेरिएबल नहीं होता, पाइथन के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में इंटरप्रेट होता है, एवरीथिंग शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन इंक्लूडिंग फंक्शन नेम। अगर आपने पाइथन में कोई फंक्शन भी डिजाइन किया है, जैसे आप सी में कोई फंक्शन डिजाइन करते हो लाइक दैट, तो पाइथन के अंदर फंक्शन को क्रिएट करने का सिंटेक्स डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, वेरी सिंपल, लेकिन मैं आप थोड़ी देर के लिए सी का सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप फैमिलियर हो इसलिए, ठीक है। अगर आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया तो आपको ऐसा लग रहा है ये फंक्शन है, लेकिन पाइथन के अंदर ये फंक्शन नेम भी इटसेल्फ ऑलवेज ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा, जब मैं आपके साथ फंक्शन का प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा एट दैट टाइम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अगर यही फंक्शन पाइथन में क्रिएट करना है, चलो सी या जावा में अगर आप कोई फंक्शन डिजाइन करते हो या सी प्लस प्लस में, मान लो सी प्लस प्लस की बात करें, अगर आप टू नंबर्स को ऐड करने का कोई फंक्शन राइट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या था, सम एक्सेस स्पेसिफायर, मे बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, व्हाटएवर, उसके बाद क्या आता है, जस्ट डेटा टाइप। अगर मैं इसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो यूज क्या करोगे, जस्ट इंटीजर, उसके बाद क्या यूज करते हो, फंक्शन नेम, देन सम पैरामीटर, मे बी एज इंट एक्स, इंट वाई, लाइक दैट राइट, देन ओपनिंग राइट, उसके बाद क्या है, मे बी एज रिटर्न एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी लॉजिक राइट डाउन कर सकते हो राइट। मैं आप बॉडी की बात नहीं कर रहा, जस्ट सिंटैक्टिकल हेडर,
अगर यही फंक्शन आपको पाइथन में इंप्लीमेंट करना है, एक्सेस स्पेसिफायर की कभी भी आपको जरूरत नहीं होगी। पाइथन के अंदर फंक्शन के रिटर्न टाइप के भी आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप फिजिकली अवेलेबल है ही नहीं। फंक्शन पैरामीटर अगर आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप चेक करो लिमिटेशंस क्या है। इस फंक्शन के अंदर केवल इंटीजर टाइप के वैल्यू एक्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर यही फंक्शन आप पाइथन में डेवलप कर रहे हो तो आपको पता है ये भी तो एक वेरिएबल ही है, एक्स वाई का यहाँ पर जस्ट लाइक अ वेरिएबल। तो पाइथन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं, आप चाहो तो इनमें इंटीजर पास करो, चाहो फ्लोट पास करो, चाहे सब या किसी भी टाइप का वैल्यू पास कर सकते हो, राइट। लेकिन पाइथन के अंदर अगर आप कोई फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हो, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन ने आपको कीवर्ड प्रोवाइड किया, कॉल्ड एज डेफ कीवर्ड। क्या यूज करो, जस्ट डेफ प्लस फंक्शन के एंड में। याद रखना पाइथन के अंदर आपको एक कर्ली ब्रेसेस भी देखने को नहीं मिलेगा इन ऑर्डर टू बॉडी। कर्ली ब्रेसेस का मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट है, जस्ट अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है या फिर सेट क्रिएट करना है, मीन्स कलेक्शन और सिक्वेंसेस, उस केस में आप ये जस्ट कर्ली ब्रेसेस फॉलो करोगे। लेकिन अगर आप कोई क्लास क्रिएट कर रहे हो, या फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, आप कोई लूप यूज कर रहे हो, या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करो, वहां पर आपको कभी भी कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं होगी। आप बोल सकते हो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर पाइथन में एप्लीकेबल है ही नहीं, अवेलेबल तो है लेकिन उसका पर्पस डिफरेंट है, दैट्स इट, राइट। तो ये तो आएगा ही नहीं। फिर यहाँ पर फंक्शन का हेडर और बॉडी सेपरेट किससे हुआ, अगर आप फंक्शन का हेडर डिफाइन कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, जस्ट एंड में आप कॉलन मार्क करोगे। अभी मैं आपको फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक स्मॉल टचअप प्रोवाइड कर रहा हूँ उस केस में, ठीक है। आगे चल के सब कुछ डेप्थ में डिस्कस करने वाला, लास्ट में क्या जाएगा कॉलन, और जो फंक्शन बॉडी जो आप स्टेटमेंट राइट डाउन करना चाहते हो, वन बाई वन सारे के सारे स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हो, राइट। उसके बाद जब भी ये फंक्शन कॉल करना, सिंपली यूज करोगे फंक्शन ने बाई पासिंग सम वैल्यू विच यू वॉन्ट, राइट। अब आप बोलो सर इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो फिर इसका बॉडी सेपरेट कैसे हो रहा है, कैसे पता चला इसका बॉडी कहाँ पर एंड अप होगा। तो याद रखना यहाँ पर पाइथन में सब कुछ इंडेंटेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई होता है। इंडेंटेशन इन द सेंस मतलब ये सारे स्टेटमेंट सेम बिट्स में प्रिंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक आगे कर दिया एक पीछे, अगर S3 आपने जस्ट इसके बराबर में राइट किया है इंडेंटेशन, राइट। तो यहाँ पर इसके बॉडी में केवल कंसिडर किया वो ओनली S1 और S2। तो इसके जो इंडेंटेशन रूल है वो सब कुछ मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो आप खुद ही देख रहे हैं पाइथन के फंक्शन का सिंटेक्स भी काफी सिंपल है, राइट। पाइथन डेटा टाइप की जरूरत है क्या, नहीं। अब मैं जस्ट जानना चाहता हूँ रियल में इसमें डेटा टाइप है कि नहीं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम फंक्शन बताया था जस्ट बेसिक टेस्ट के लिए, अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना है तो आईडी वेरिएबल, किस नाम का वेरिएबल यूज करना है, जस्ट आईडी। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था पाइथन के अंदर फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में इंटरप्रेट होते हैं, आगे चल के इसको प्रूव करेंगे। अगर आपके पास कोई वेरिएबल अवेलेबल है, जस्ट इस वेरिएबल का मुझे डेटा टाइप जानना है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, राइट। उस केस में पाइथन ने एक प्रीडिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड किया है कॉल्ड एज टाइप फंक्शन। फंक्शन का नेम इटसेल्फ क्या है, जस्ट टाइप। तो इसे फंक्शन टाइप का यूज करके आपके लिए किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप फाइंड आउट करना पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट वन, इस फंक्शन के अंदर आपको पास क्या करना है, उस वेरिएबल का नेम जिस वेरिएबल का आपको डेटा टाइप डिस्प्ले कराना है, ठीक है। दैट्स इट, टेस्ट करते हैं वन बाई वन, जस्ट कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पाइथन का इंस्टॉलेशन भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस टाइम पर डिस्कस करेंगे इस कमांड प्रॉम्प्ट को किस टाइप से यूज करना है, ठीक है। फिलहाल आपके क्लासेस के जितने भी रेगुलर प्रोग्राम्स हैं तो उसके लिए मैंने फोल्डर क्रिएट किया है पाइथन क्लासेस। आपको पता होगा आर मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, इसका नेम क्या है, थर्ड क्लास, देन जस्ट CD Class 3। पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करना सिंपली यूजिंग नॉट पैड P1.py। देखिए अभी मैंने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मेरा यहाँ इंटेंशन क्या है, जस्ट डेटा टाइप चेक करना है। मैंने वेरिएबल यूज किया X10, 10 भी असाइन हो गया। अगर इसी वेरिएबल में आप स्ट्रिंग असाइन करना चाहते हो, स्ट्रिंग भी आपके लिए असाइन करना पॉसिबल, समथिंग ABC हेलो वाट एवर। सेम वेरिएबल एक्स के अंदर फ्लोट वैल्यू असाइन करना पॉसिबल, सेम वेरिएबल एक्स के अंदर बूलियन वैल्यू कॉपी करना पॉसिबल है, एवरीथिंग।
वैसे चेक करना क्या है, इनका डेटा टाइप बार बार चेंज हो रहा है या सेम टाइप यूज हो रहा है, राइट। फर्स्ट टाइम मैंने एक्स में असाइन किया 10 असाइन करने के बाद जस्ट मैं एक्स का टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप यूज क्या करोगे, टाइप फंक्शन, राइट। तो टाइप फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, डेटा टाइप ऑफ एक्स, और एक्स का टाइप क्या है, वैल्यू चेक करोगे, वैल्यू किस कैटेगरी में आता, सॉरी इंटीजर्स की कैटेगरी में, इंट, तो इसके लिए टाइप क्या प्रिंट होगा, जस्ट इंट। टाइप फंक्शन केवल टाइप रिटर्न करेगा, ये इटसेल्फ इसको डिस्प्ले नहीं करता, तो डिस्प्ले आपको कराना हुआ, तो डिस्प्ले कराने के लिए पाइथन में कौन सा फंक्शन है, जस्ट प्रिंट फंक्शन। पाइथन का कोड इतना सिंपल होता है कि देखने में अपनों को ऐसा लगता है कि इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगा या सम एरर आएगा, राइट, कभी इसमें कोई एरर नहीं आता है, सबसे कम एरर्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट वन, एक्स इक्वल टू ए बी सी, उसी वेरिएबल एक्स में मैंने ए बी सी असाइन किया, तो चेक करना चाहता हूँ, फर्स्ट केस में एक्स का टाइप इंट प्रिंट होने वाला है, पर मैं डिफरेंट टाइप का वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो चेक करते हैं क्या इसका सेम डेटा टाइप आएगा डिफरेंट, मतलब पाइथन वेरिएबल असाइंड कंटेंट्स के बेसिस पर बार बार अपना टाइप चेंज कर लेता है, इसलिए पाइथन को क्या बोला जाता है, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड चेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट केस में क्या है, फ्लोट, सी सी प्लस प्लस और जावा के अंदर 2.5 डबल टाइप की कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, डबल, अगर आप यही टाइप जावा या सी प्लस प्लस में चेक करोगे डबल देगा, लेकिन पाइथन डबल डेटा टाइप को सपोर्ट ही नहीं करता है, बोल सकते हो पाइथन में ऐसा कोई डेटा टाइप है ही नहीं, केवल एक ही टाइप है डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, ओनली फ्लोट, ठीक है। पाइथन फीचर फिनिश होने के बाद, फीचर्स कंप्लीट होने के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पाइथन डेटा टाइप ही होगा, आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। 2.5 फिर से मैं चेक करना चाहता हूँ, बुलियन वैल्यू असाइन करने के बाद असाइन क्या किया, ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए, जस्ट डिस्कस करूंगा पाइथन कीवर्ड्स एट दैट टाइम, ये रूल्स भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट टाइम टाइप क्या आना चाहिए, इंट स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग के लिए जो डेटा टाइप है वो एस टी आर है, क्या है, जस्ट एस टी आर, देन फ्लोट एंड देन बुलियन, चेक करते हैं, सेव इट, पाइथन, पाइथन भी टाइप कर सकते हो, केवल पाई भी टाइप कर सकते हो, लेकिन याद रखना कुछ पाइथन कंपाइलर ऐसे भी हैं जो पाई कमांड को सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर आपके केस में कंपाइलर पाई सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप यूज कर सकते हो जस्ट पाइथन, ठीक है, देन p1.py, टेस्ट इट, फर्स्ट केस में एक्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, सेकेंड केस में स्ट्रिंग, थर्ड केस में फ्लोट, लास्ट केस में जस्ट बुलियन, ठीक है, जस्ट बुलियन। पाइथन में देखा जाए तो टोटली 14 डेटा टाइप्स अवेलेबल, हाउ मेनी, देयर आर 14 डेटा टाइप्स, कुछ डेटा टाइप प्रिमिटिव लेवल पर हैं, कुछ डेटा टाइप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ऑल 14 डेटा टाइप जस्ट मैं बिगिनिंग क्लासेस में डिस्कस करूंगा। पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप चेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इस फीचर का मीनिंग क्या है, सिंस पाइथन वेरिएबल कैन स्टोर और सिंस पाइथन वेरिएबल कैन चेंज देयर टाइप बेस्ड ऑन असाइंड वैल्यू डायनेमिकली, इसे टाइप डायनेमिकली चेंज हो रहा है, राइट, देयरफोर पाइथन इज कंसीडर्ड एज डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड फीचर आई थिंक सभी को क्लियर होगा, पाइथन के अंदर किसी भी स्टेटमेंट में सेमी कोलन लगाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो, और जहां ऑप्शनल होता है वो काम हम कहाँ करते हैं, जरूरत ही नहीं है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट फीचर देखते हैं पाइथन का नेक्स्ट फीचर क्या है, थर्ड फीचर, ठीक है, सिंपल एंड ईजी टू लर्न एंड देन फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, तो ये वाला पॉइंट ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फोर्थ नंबर, तो पहले मैं जैसे फोर्थ नंबर का पॉइंट भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, पाइथन इज फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, देखते हैं या फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स का मीनिंग क्या है। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर फ्रीवेयर का मीनिंग डिफरेंट होता है और ओपन सोर्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ व्हाट इज मीन बाय फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब क्या है? जस्ट फ्री। हाँ, फ्रीवेयर का मीनिंग से ना रहा हूँ, इतना तो सबको होता है। फ्री का मतलब क्या होता है? सब कुछ फ्री है। मीन्स अगर आप कोई भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर यूज करते हो, लाइक जावा, ओरेकल। जावा ओल्ड वर्जन में ओपन सोर्स और फ्रीवेयर था, लेकिन याद रखना फ्रॉम JDK 11 ऑनवर्ड्स जावा इटसेल्फ कैसा कमर्शियल सॉफ्टवेयर। मीन्स आपको लाइसेंस परचेज करने की जरूरत है। तो मैं दोनों टर्म सेपरेटली वन बाई वन डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाई फ्रीवेयर। पर कोई भी सॉफ्टवेयर और टूल आपके लिए डायरेक्टली यूज करना पॉसिबल विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट। पर आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है एट बिजनेस लेवल। बोलोगे सर हमने तो आज तक किसी भी सॉफ्टवेयर का पेमेंट नहीं किया है। इस जैसा कि आपको होता है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जस्ट कमर्शियल। कमर्शियल मीन्स इसका लाइसेंस की परचेज करने की नीड होती है। और आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है, राइट? आप बोलो सर हम तो कभी पेमेंट नहीं करते हैं, जस्ट क्रैक कर लेते हैं, राइट? याद रखना जो क्रैक वर्जन रहते हैं वो केवल स्टूडेंट लेवल पर पॉसिबल है। अगर आप सपोज दैट आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो फॉर बिजनेस पर्पज, अगर बिजनेस पर्पज से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, उस केस में आपके लिए कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना पॉसिबल नहीं है। वहां पर लीगली जस्ट आप पर केस बनता है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज जस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट? मतलब वो बिजनेस पर्पज से यूज हो रहा है। तो जो कॉलेजेस के लैब होते हैं, लैब के अंदर भी याद रखना कभी भी जो PC यूज हो रहा है उनमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कॉलेज पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो वहां पर आपके लिए लीगली केस करना पॉसिबल है। आप नहीं करोगे, लीगली केस कौन करेगा? जिसका सॉफ्टवेयर आपका कॉलेज यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे विंडोज इंस्टॉल्ड है तो वहां पर केस करना किसके हाथ में? माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में। हाँ, तो बिजनेस पर्पज से कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूजेबल नहीं होते हैं, लीगली जस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? स्टूडेंट लेवल पर उनको क्रैक करने का परमिशन है, लेकिन बिजनेस लेवल पर कभी भी क्रैक नहीं हुआ, दैट्स इट। तो सेम एज में बात कर रहा हूँ इस पाइथन। मान लो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी यूज क्या कर रहा है? .NET। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहा हूँ, राइट? कंपनी है जस्ट MNC कंपनी, काफी अच्छे लेवल का, जस्ट वो यूज क्या कर रहा है? जस्ट .NET। तो आपको पता .NET कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। तो कंपनी के अंदर मान लो टोटल 10,000 PC और मशीन यूज हो रहा है। कितने? जस्ट 10,000 मशीन। तो उसके साथ ऑल 10,000 मशीन में मान लो .NET सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो सभी मशीन के लिए लाइसेंस परचेज करना जरूरी है, राइट? मान लो अगर एक मशीन के लिए इसका कॉस्ट है 5,000, आप खुद ही देख लो इसका टोटल अमाउंट कितना हुआ। लेकिन ये अमाउंट सभी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर सपोज दैट कोई कंपनी मिडिल लेवल का कंपनी है तो ये सॉफ्टवेयर इनके लिए पॉसिबल होंगे नहीं, क्योंकि इनका जो इनकम होगा वो पूरा इनकम सॉफ्टवेयर को परचेज करने में ही चला जाएगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ मिडिल लेवल कंपनी हमेशा प्रेफर क्या करते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर, मीन्स फ्रीवेयर, राइट? पाइथन की बात करें, अगर आप जिस दिन पाइथन इंस्टॉल करोगे आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट करने की जरूरत है। जस्ट इस पाइथन का सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री है, आपको कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया था पाइथन किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है या पाइथन का वेंडर कौन है, पाइथन का फाउंडर कौन है? ग्यूडो वैन रोसम। लेकिन ये किस वेंडर कंपनी को सजेस्ट किया गया है, किस वेंडर कंपनी को हैंड ओवर किया गया है? PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स चैरिटेबल ट्रस्ट है, राइट? इसलिए इसके पास जितने भी सॉफ्टवेयर सारे सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री हैं। और चैरिटी पर्पज से आप कुछ दान करना चाहते हो तो पे कर सकते हैं, लेकिन ये आपसे मांगेंगे कभी नहीं, ठीक है? अगर आप पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर जस्ट चैरिटी पर्पज से आपके पास ऑप्शन आ सकता है पेमेंट करने के लिए, लेकिन जस्ट वो आपके लिए ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी। दैट इज मीन बाय फ्रीवेयर। पाइथन सॉफ्टवेयर आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इसलिए कंसिडर क्या होता है? जस्ट फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, राइट? आप खुद सोच लो, सपोज दैट आपने किसी कंपनी में 2 इयर्स वर्क कर लिया। हाँ, हर स्टूडेंट का यही सपना रहता है, मुझे तो कंपनी में काम करना ही नहीं है, जस्ट एक कॉमन थिंकिंग है। क्या सभी का यही सपना रहता है? पहले से प्लान बना लेते हैं, नहीं हमें तो कंपनी में काम ही नहीं करना है,
जस्ट करेंगे भी तो एक या दो साल एक्सपीरियंस लेने के लिए, हम तो जस्ट अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करें, खुद की कंपनी चलाएंगे। जब बिगिनिंग लेवल पर आप कंपनी चलाओगे तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली आप लाइसेंस परचेज करोगे, वहां पर सबसे पहले आप जुगाड़ सोचो क्या फ्री सॉफ्टवेयर, तो सबसे आप प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा जो सॉफ्टवेयर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, राइट। दो चीजें हमेशा कॉमन होती हैं, आपको बता दूं, जो लोग कंपनी में काम करते हैं क्या कॉमन रहता है हमेशा, जैसा कि आपको बता दूं, फर्स्ट केस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का 90% जो गोल होता है वो यही रहता है, हमें पहली बात तो जॉब करना ही नहीं है, ये वर्ड सबसे खराब है, क्या करेंगे, अपना खुद का कंपनी खोलना है, खुद का न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना है, राइट, गुड, अच्छा सपना है, होना भी चाहिए। दूसरा केस, मान लो अगर किसी ने स्टार्टिंग में जॉब कर लिया, मतलब जॉब ज्वाइन कर लिया किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का ज्वाइनिंग ओरेकल में हो गया, या किसी स्मॉल कंपनी की बात करते हैं, जस्ट TCS, हाँ, अब ये मत बोलना कि सब TCS स्मॉल कंपनी थोड़ी है, जस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की कंपेरिजन बात कर रहा हूँ। मान लो किसी पर्सन का ज्वाइनिंग TCS में हो गया, तो TCS में ज्वाइन हो गया उसका एम क्या रहता है, मेरा जस्ट प्लेसमेंट किसी अच्छे लेवल की कंपनी होना चाहिए, समथिंग कॉग्निजेंट जो कि उससे ज़्यादा बेटर माना जाता है, या समथिंग ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट अमेजन लाइक दैट। आपने जस्ट एक मूवी देखी होगी, कौन सा, प्यार का पंचनामा, उसमें जो बंदा होता है वो फर्स्ट डे से क्या बोलता है, मैं कल से अपना कंपनी छोड़ दूंगा और नई कंपनी ज्वाइन करूंगा, ये उसकी हालत नहीं है, ये हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंडीशन है, जो भी कंपनी में काम कर रहा है वो शाम को आके यही बोलता है घर पर आके, जस्ट एक कंपनी मुझे रिजाइन करना है, दूसरा न्यू कंपनी ज्वाइन करना है, इसमें पैकेज अच्छा नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है, बॉस अच्छा नहीं है, मतलब उनके पास ढेर सारे बहाने होते हैं, लेकिन जो ऐसा बोलते रहते हैं वो कभी कंपनी स्विच कर ही नहीं पाते, और रेयर केस में, मतलब स्विच तो करते हैं नो डाउट, लेकिन जितना फ्रिक्वेंटली ये लोग बोलते हैं इतना फ्रिक्वेंटली स्विचमेंट कभी नहीं होता है, लेकिन होता यही है, कल से छोड़ देंगे, हाँ, दूसरे दिन सुबह सुबह फिर पहुंच जाते हो, तो सबकी कंडीशन है। तो जस्ट जब आप, मैं जिस बात कर रहा था, अगर कोई भी पर्सन न्यू कंपनी न्यू स्टार्टअप कर रहा है तो इतना ज्यादा पैसा तो हुआ नहीं कि वो सॉफ्टवेयर को परचेज करने में यूज करे, राइट, तो वहां पर प्रेफर आप हमेशा प्रेफरेंस किसको दोगे, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को, ये भी आपके पास एक एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट वन, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स एक बिगेस्ट फीचर है अपने आप में, याद रखना, जैसे ओपन सोर्स का जनरली मीनिंग क्या रहता है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कोई भी सॉफ्टवेयर हमेशा कंपाइल कोड के फॉर्म में प्रोवाइड होता है, किस फॉर्म में, कंपाइल कोड, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसे हैं जो अपने सॉफ्टवेयर के या प्रोजेक्ट के कंपाइल कोड के साथ साथ आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, कंपाइल कोड के साथ साथ आपको प्रोवाइड क्या होता है, सोर्स कोड, लेकिन सोर्स कोड सभी कंपनी प्रोवाइड करते हैं क्या, नहीं, अगर मैं .NET की बात करूँ, इस माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब सॉफ्टवेयर हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर उनका ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, जस्ट कमर्शियल पर्पज ही होते हैं, ओपन सोर्स नहीं मतलब उनके साथ कभी भी आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोडक्ट का सोर्स कोड देखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं जस्ट लाइनक्स और जस्ट जावा, लाइनक्स एंड जावा दोनों ही ओपन सोर्स हैं, तो जावा का भी सोर्स कोड देखना पॉसिबल है और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सोर्स कोड आपके लिए व्यू करना पॉसिबल है, दैट्स इट, बिकॉज इट इज ओपन सोर्स। लेकिन अपन बात करें जस्ट पाइथन, पाइथन की बात करना है, पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ साथ, मतलब जब आप पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, पाइथन कंपाइलर, तो आपके पास पाइथन सॉफ्टवेयर कंपाइल कोड के फॉर्म होगा, मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्म में, लेकिन इसके साथ साथ आपको पाइथन का कंप्लीट सोर्स कोड भी प्रोवाइड होता है, दैट इज द फर्स्ट केस। इसके अलावा अदर इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है, फिर से समझो, अगर आपने सी में प्रिंटएफ फंक्शन यूज किया है तो कभी भी किसी ने देखा है कि प्रिंटएफ के अंदर लॉजिक्स क्या है, इसका बॉडी पार्ट कभी देखना पॉसिबल हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि सी ओपन सोर्स नहीं है, या सी का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन जावा के अंदर आप देख लेना, जावा का कोई भी प्रोजेक्ट मेरे पास लाना, चाहे आपके पास उसका सोर्स कोड हो या ना हो, लेकिन मैं उसका सोर्स कोड जनरेट करके आपको हैंड ओवर कर दूंगा, क्योंकि जावा कंपाइलेशन के साथ साथ डी कंपाइलेशन फीचर भी सपोर्ट करता है। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट सोर्स कोड को कंपाइल कोड में ट्रांसलेट करना, और डी कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट रिवर्स, कंपाइल कोड को सोर्स कोड में ट्रांसलेट करना। जावा ये फीचर प्रोवाइड करता है, अगर आपके पास कंपाइल
कोड अवेलेबल है देन फर्दर आपके लिए सोर्स कोड क्रिएट करना पॉसिबल है, चाहे आपका वेंडर आपको प्रोवाइड करे या ना करे, राइट right? तो सेम एज पाइथन की बात करें, पाइथन में कैसा है, जस्ट ओपन सोर्स, तो आपके लिए कम्प्लीटली इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होने वाला है। मतलब पाइथन के अंदर अगर आप कोई फंक्शन देख रहे हैं तो उसका सोर्स कोड आपके लिए विजिबल है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स पब्लिकली अवेलेबल टू द प्रोग्रामर्स, मतलब सभी प्रोग्रामर्स के लिए पाइथन का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। दूसरा मीनिंग क्या है, बिगेस्ट मीनिंग ओपन सोर्स का, पाइथन सोर्स कोड अवेलेबल भी है, प्लस इसके अलावा मान लो आपके पास कोई पाइथन सॉफ्टवेयर है, इस पाइथन कंपाइलर लाइक दैट, राइट, दिस इज सम पाइथन सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपको पता है ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स मतलब आपके लिए इसका सोर्स कोड देखना पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर पाइथन का सोर्स कोड अवेलेबल है, याद रखना भाई पब्लिकली अवेलेबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पज। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मान लो पाइथन के अंदर जो एग्जिस्टिंग पाइथन सॉफ्टवेयर है, इस पाइथन सॉफ्टवेयर में आप अपना खुद का नया कोड ऐड कर सकते हो, मतलब हो सकता है आपने अपना कोई कोड बनाया है, तो पाइथन का एग्जिस्टिंग सोर्स कोड है पाइथन सॉफ्टवेयर का, उस एग्जिस्टिंग सोर्स कोड में अपने लिए अपना खुद का न्यू कोड राइट करना और ऐड करवाना पॉसिबल है, इस लेवल का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए आपने सुना होगा मार्केट में पाइथन के कई सारे फ्लेवर्स हैं, राइट, फ्लेवर्स में डिस्कस करने वाला हूँ जस्ट नेक्स्ट कमिंग क्लास में। फ्लेवर्स का मतलब क्या है, जैसे पाइथन के सॉफ्टवेयर मार्केट में कई सारे नेम्स हैं, आपने नेम सुना होगा सी पाइथन, राइट, सी पाइथन, सेम एज ए पर नेम सुना होगा आपने जे पाइथन और जस्ट जाइथन, और एक और नेम सुना होगा आपने आयरन पाइथन, राइट। इस टाइप से मार्केट में पाइथन के कई सारे फ्लेवर्स अवेलेबल, सेम एज रूबी पाइथन, पाई पाई पाइथन लाइक दैट, तो कई सारे फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आप पूछो सर अपन कौन सा पाइथन पढ़ रहे हैं इसमें से, हाँ ये भी तो पता होना चाहिए, हमें अभी यही नहीं पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, रूबी पाइथन, आयरन पाइथन, जाइथन, सी पाइथन और पाई पाई, और भी कई सारे नेम्स हैं। एक और नेम काफी पॉपुलर है एनाकोंडा पाइथन, सुना होगा ना सबने, इसका मतलब क्या है, मीन्स रियल में जो पाइथन का सोर्स कोड है वो पब्लिकली सभी पर्सन के लिए अवेलेबल है, राइट। तो कोई पर्सन रहा हुआ जिसने क्या किया, जो पाइथन का एग्जिस्टिंग सोर्स कोड था, मतलब जो पाइथन कोड है, पाइथन कोड में जस्ट कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म किए यूजिंग सी लैंग्वेज, मतलब आप अगर अपना कोई नया कोड ऐड कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि नया कोड पाइथन में लिखा हुआ होना चाहिए, हो सकता है न्यू कोड आपने सी में राइट किया, हो सकता है जावा में राइट किया, हो सकता है .NET में राइट किया, लाइक दैट, न्यू कोड किसी भी लैंग्वेज हो सकता है। एक ग्रेट फीचर है पाइथन का याद रखना, जो कि जनरली अदर लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करता है। तो मीन्स पाइथन के अंदर कोई पर्सन है जिसने पाइथन के एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जस्ट न्यू कोड ऐड किया और न्यू कोड राइट किया बाय यूजिंग सी लैंग्वेज, मतलब किसी पर्सन ने पाइथन के कोड को कस्टमाइज किया, मीन्स चेंज किया यूजिंग सी लैंग्वेज, और इस जनरेटेड लैंग्वेज को नेम दिया जस्ट सी पाइथन। सेम एज कोई अदर पर्सन रहा जिसने क्या किया, पाइथन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया यूजिंग जावा, राइट, जावा कोड राइट करके, जावा कोड क्रिएट करके इस पाइथन के एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए, और जो चेंजेस अप्लाई होने के बाद न्यू लैंग्वेज जनरेट हुआ उसको नेम दिया जस्ट जाइथन। सेम एज कोई अदर पर्सन रहा जिसने क्या किया, यूजिंग सी शार्प पाइथन कोड को कस्टोमाइज किया और इम्प्लीमेंट किया, मॉडिफाई किया यूजिंग सी शार्प .NET, देन उसको नेम दिया जस्ट आयरन पाइथन। सेम एज हो सकता है कोई अदर पर्सन है जिसने रूबी भी आपने नेम सुना हुआ, रूबी रेल्स, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंदौर में सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट, रूबी का यूज करके अगर मॉडिफाई किया उसको नेम दिया रूबी पाइथन। सेम एज पाई पाई पाइथन, पाई पाई पाइथन का पर्पज क्या है, इस पाइथन प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, एक्चुअली पाई पाई पाइथन JIT कंपाइलर प्रोवाइड करता है इस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सेम एज किसी पर्सन ने जस्ट बिग डेटा को मैनेज करने के लिए, मतलब पाइथन के थ्रू आपको पता है पाइथन के थ्रू बिग डेटा मैनेज करना पॉसिबल, तो किसी पर्सन ने जस्ट पाइथन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया बाय यूजिंग हडूप, राइट, हडूप के थ्रू इसको मॉडिफाई करके न्यू लैंग्वेज नेम असाइन किया जस्ट
एनाकोंडा पाइथन। तो इस टाइप से मार्केट के अंदर पाइथन के ढेर सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट लेवल पर जो स्टैंडर्ड पाइथन है, मीन्स जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लर्न करते हैं, कोई भी जो बिगिनर होता है वो कौन सा पाइथन सीखता है? जस्ट सी पाइथन। अगर सिंपली नेम यूज हो रहा है जस्ट पाइथन मीन्स सी पाइथन, दैट्स इट। जनरली पाइथन ऑब्जेक्टिव सी में इंप्लीमेंट होता है, राइट। जैसे आपने नेम सुना हुआ एंड्रॉयड एंड आईफोन सॉफ्टवेयर, तो जो एंड्रॉयड है उसका प्रोग्रामिंग जावा में हुआ है, राइट। सेम एज जो आईफोन के सॉफ्टवेयर रहते हैं आईओएस, ये सॉफ्टवेयर डेवलप किस मोड में? बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव सी। सेम पाइथन भी, पाइथन का स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी डेवलप हुआ यूजिंग सी एंड ऑब्जेक्टिव सी, राइट। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था पाइथन में दैट ग्रेट फीचर अवेलेबल जो कि कोई भी लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करता। मीन्स अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो, मान लो आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर हो, राइट, लाइक ओरेकल। तो अगर आप ओरेकल के अंदर पाइथन यूज करना चाहते हो, तो जो एग्जिस्टिंग पाइथन है अगर उसमें न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना है बाय राइटिंग आवर ऑन कोड, ये फीचर भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आगे चल के मैं जब पाइथन के फ्लेवर डिस्कस करूंगा ये सब कुछ एक बार रिपीट करूंगा। आज के लिए सफिशियंट है, जो रिमेनिंग फीचर्स हैं वो फास्टली फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं जस्ट पाइथन के सारे फीचर डिस्कस करके रिमेनिंग थिंग्स को कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। आज का क्लास ओवर हो चुका है, आप लोग लीव कर सकते हो, लेकिन जिनके अगर डाउट्स हैं वो लोग डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।